अस्सलामुअलैकुम। अभी हम बनाएंगे भगारे बैंगन। हमें चाहिए होंगे स्पाइसेस, एक चम्मच सूखा धनिया, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच नमक, पिसा हुआ खोपरा लेंगे 3 से 4 चम्मच लेंगे, और इसी तरह टमाटर लेंगे, मैंने इनको बिल्कुल पेस्ट बना लिया है। प्याज लेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे। इमली लेंगे, इमली का भी पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ वन बाय वन सारी चीज़ों को डाल के एक ही प्लेट में या किसी बर्तन में मिक्स कर लेंगे। इमली की पेस्ट के साथ मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के और इमली के पेस्ट के साथ इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और मुझे कमेंट्स में बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। जी तो नाज़रीन, ये पेस्ट बन चुका है। अब हम बैंगन ले लेंगे। बैंगन को हम इस तरह से कट करेंगे कि 2 कट लगाएंगे, लेकिन वो 4 पीस में अलग से हो जाएगा। ये देखें, इस तरीके से हम कट लगा लेंगे सारे बैंगन को। बैंगन बिल्कुल साफ़ लेने हैं, ख़राब बैंगन नहीं लेने, एक ही साइज़ के होने चाहिए। मैंने भी कोशिश की है एक ही साइज़ के बैंगन हो। और यहाँ पे मैं फिर इसके बाद हरी मिर्च को भी इसी तरीके से कट लगा दूँगी। और अब जो हमने पेस्ट बनाया है या मसाला जो हमने रेडी किया है, वो इसके अंदर चम्मच की मदद से फिल कर देंगे। इस तरीके से हमने बैंगन को भी और मिर्चों को भी, जो हरी मिर्च हमने ली है, इनको फिल करेंगे। बैंगन को बिल्कुल इस तरीके से फिल करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। व्यूअर्स, बिल्कुल इस तरीके से आपने फिल करके इसको रखना है। जहाँ मैंने सारे बैंगन को फिल कर लिया है, ऑयल ले लेंगे बिल्कुल हसबे ज़रूरत, जितना आप इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ 3 से 4 चम्मच लिए हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। ऑयल बिल्कुल गर्म हो जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज का पेस्ट जो हमने पहले से बना के रखा है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने यहाँ 1 चम्मच। अब डाल देंगे इसमें टमाटर का पेस्ट, 2 से 3 टमाटर लिए थे मैंने, उनका पेस्ट बना लिया है। यहाँ से फिर से मैंने स्पाइस जो है वो डाले हैं, आप देख रहे हैं इसमें कलर आ जाएगा, भुन जाएगा। और हमारे पास जो इमली का पेस्ट बचा हुआ था वो भी हम इसमें डाल देंगे, और जो पेस्ट हमारा वो जो बच गया था बैंगन के लिए, हमने जो बना के रखा था, वो भी इसमें ही ऐड कर देंगे। बचा हुआ पेस्ट भी, और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 कप पानी डाला है मैंने, और अब इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। तो अब इसमें हम वन बाय वन बैंगन ऐड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये बन जाता है। नाज़रीन, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छे बनते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद चेक कर लेंगे और इनको पलट देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी पक जाए सही से, और एक बार फिर डाल देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि ये दूसरी तरफ से भी पक जाए। ये बिल्कुल रेडी है। आप मुझे रखिएगा दुआ में याद, अपना रखिएगा ढेर सारा। नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।